पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ट्रस्टी रूम में कोविड वॉरियर्स एशियन ग्रुप के डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर एन के पांडे और डॉक्टर प्रशांत पांडे तथा डॉक्टर हिलाल अहमद को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर एन के पांडे को ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेंद्र पाल खोसला ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। डॉक्टर प्रशांत पांडे को ट्रस्ट के सचिव नीरज खन्ना ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। डॉक्टर हिलाल अहमद को एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर भारवी चट्टोपाध्याय ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुभाष ढल और ट्रस्टी रोहित ढल ने पद्मश्री डॉक्टर एन के पांडे और डॉक्टर प्रशांत पांडे को स्मृति चिन्ह के रूप में उनके परिवार के चित्र को मूर्ति रूप भेंट किया। कार्यक्रम में एशियन हेल्थ ग्रुप के डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर एन के पांडे, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर हिलाल अहमद, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन सुरेंद्र पाल खोसला, उपाध्यक्ष सुभाष ढल, ईपीसीएच के सीईओ और यस के नेशनल चेयरमैन, खत्री सभा के कार्यकारी अध्यक्ष, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के सचिव नीरज खन्ना, यस के महासचिव, ट्रस्ट के ट्रस्टी रोहित ढल, सुनील आनंद, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर भारवी चट्टोपाध्याय, अनुराग मिश्रा, विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज के एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर हरजीत सिंह ने भाग लिया। हमारे एशियन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं श्री एन के पांडे जी, उनके सुपुत्र जो एमडी हैं श्री प्रशांत पांडे जी और जो सीईओ हैं आपके श्री डॉक्टर हिलाल, ये सारे लोग जो है दिल्ली से चल कर के आज यहाँ पधारे। उसका पधारने का जो पर्पस है वो ये है कि आज यहाँ पर समीक्षा करें सारी हॉस्पिटल कि जो भी समीक्षाओं में जिस तरह का भी समस्याएं हैं, साधन हैं, संघ हैं, उसको जो है उपलब्ध कराएं और जो पिछली वेव में जो भी दिक्कतें आई हैं कहते हैं काम करने में, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो जो है किसी जो इंस्ट्रूमेंट की हो, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। वह हम लोगों ने जो हमारी ट्रस्ट है मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट, उन लोगों इस ट्रस्ट ने इस तरह से जो दोनों लोगों को सम्मान करने का भी एक अपना मन बनाया, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने काम करा है, सारे डॉक्टर्स ने काम करा है, यहाँ के स्टाफ ने काम करा है, मैं ये जानता हूँ कि डॉक्टर्स और स्टाफ जो भी हमारी टीम है कहते हैं वो अपने लीडर के हिसाब से चलती है कहते हैं। लीडर जो है हमारे सबके डॉक्टर एन के पांडे अंकल हैं, उनके दिशा निर्देश में इतना अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने निपटाया। मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से वो हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, समय समय पे वो यहाँ अपने चरण डालते रहें, जिससे कि हमें जो है उनके आने से बहुत सारी चीज़ों को सीखने का एक मौका मिलता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर ए के पांडे ने हॉस्पिटल के द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों के विषय में विस्तार से बताया और भविष्य में आने वाली कोविड की समस्याओं के लिए हॉस्पिटल के तैयारियों के विषय में जानकारी दी। विवेकानंद ट्रस्ट और उनके पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। चेयरमैन हमारे खोसला साहब, वाइस चेयरमैन ढल साहब, हमारे जो सेक्रेटरी हैं नीरज खन्ना जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पहले भी जैसा मैंने कहा था कि अपने भाई विनोद खन्ना को आज मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, तो उनको मैं सदा सुमन भी अर्पित करना चाहूँगा उनकी याद में। बट मैं सबसे विवेकानंद ट्रस्ट को मैं ये बताना चाहूँगा और पूरे मुरादाबाद की जनता को बताना चाहूँगा कि कोरोना के समय में इस अस्पताल में एशियन विवेकानंद ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे डॉक्टरों ने मैक्सिमम जानें बचाई हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने यहाँ पे दिन रात काम किया है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर भारवी भट्टाचार्य, वो भी काफ़ी सीरियसली बीमार हो गए थे कोरोना में और उनका इलाज हुआ और वो ठीक हुए, उनका परिवार भी ठीक हुआ। तो कोरोना में हमारे जितने भी यहाँ के डॉक्टर हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो सब लोगों ने मिलके काम किया। ट्रस्ट ने हमारी इतनी मदद पहुंचाई कि इस अस्पताल में एक दिन भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई।
कोई भी दवाई हो, जैसे रेमडेसिविर की बहुत ज़रूरत थी और नहीं मिल रहा था, तो हमने दिल्ली से देखा कि यहाँ पे समुचित मात्रा में दवाई रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष खोसला ने सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव नीरज खन्ना ने ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और जन कल्याण के कार्यों में ट्रस्ट की सहभागिता की बात कही। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के कार्यों को ट्रस्ट के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जो इन्होंने सेवा जिस तरीके से कोविड टाइम पे और इतने पूरे हमारे शहर में इतने पेशेंट हो जाने के बाद और इतनी किसी चीज़ की कमी होने की इन्होंने कोई नहीं आई। और हम बाकी हमारे जो हमारे डीएम साहब ने, सीएम साहब ने और हमारे जो उन्होंने भी हमें पूरी तरीके से हमारी हमारी मदद करते रहे। सबसे पहले कोरोना का जो बहुत पेंडेमिक आया था, उसके बाद आज यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर पांडे जी एक तो हमारे पास मुरादाबाद में आए, उन्होंने सारी हॉस्पिटल की समीक्षा करी, हर चीज़ का जायज़ा लिया और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे मिले, उनको सम्मानित किया। उसके अलावा आज हॉस्पिटल में एक कैंटीन का उद्घाटन करा गया है, वो कैंटीन 24 घंटे खुलेगी चलेगी और जो भी हैं हमारी इसके साथ जो उनके बीमारदार आते हैं उनके लिए बनाई गई है ताकि उनको सारी सुविधा मिल चुके। तो ये सिर्फ इंटरनल लोगों के लिए है या आउटसाइडर्स? नहीं, ये इस तरह बनाई गई है कि आउटसाइडर्स के लिए भी बनाई है, रोड पे बनाई है हॉस्पिटल के साइड में बिल्कुल, कि जो भी आना चाहे रात को पे टाइम उसको हर टाइम कैंटीन में हर चीज़ खाना बहुत अच्छा उपलब्ध कराया जाए। कॉलेज में भी आज हम नर्सिंग स्कूल में भी आज यहाँ ट्रस्टी रूम उसका उद्घाटन करा गया है और वो हम चाहते थे कि पांडे जी दिल्ली से आए हैं तो उन्हीं के हाथों से ये शुभार काम हो, पर अभी बस उनका मीटिंग रूम का उद्घाटन करा ही अभी हम लोगों ने। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।